हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या समझते हैं। तो अभी तक हमें जो पता था, चर का मतलब है x, y, z, हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। चर का मतलब है जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, x, y, z, ये हमारे चर कहलाते हैं। और दो चर का मतलब है जैसे एक चर ये, एक चर ये, तो कोई से भी दो पिक कर लेंगे, हम दो उठा लेंगे, दो चरों से बनने वाला रैखिक समीकरण। दो चीजें यहाँ पर, एक तो है दो चर और ये है रैखिक समीकरण। दोनों का अलग अलग मतलब है। दो चर का तो मतलब है कोई से दो ले लो, एक्स वाई ले लो या वाई जेड ले लो या एक्स जेड ले लो, कोई से भी दो ले लो, ठीक। और रैखिक समीकरण का मतलब वो अब हम बताते हैं। इससे पहले की अगर बात करें, हमने इससे पहले कुछ इस तरीके के सवाल हमने पढ़े हैं, 8th में बोलूं या इससे पहले वाले चैप्टरों में कुछ हमने ऐसा देखा है, x-2=0, या मैंने देखा है इसी के साथ बोलूं x+10=0, ऐसा करके कुछ देखा है, या मैं बोलूं यहां वाई के लिए कह दूं y-3=0। तो आप देख रहे हैं, जब मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है, एक चर मतलब केवल इस वाले में केवल x यूज हो रहा है, केवल एक ही चर की बात हो रही है, इसमें भी केवल एक चर की बात हो रही है, किसकी, x की। इसकी बात करें तो इसमें केवल एक चर की बात हो रही है, किसकी, y की। तो अभी तक हमने एक चर के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन आज के चैप्टर में हम दो चर के ऊपर बात करेंगे, जैसे x+y=3, 4x+2y=7, मतलब अब जो भी चीज आएंगी वो x और y दोनों, दो चर हमारे साथ आएंगे। ऐसा भी हो सकता है z-x=3। तो कहने का पहला मीनिंग तो बड़ा सिंपल है कि सर, अब जो भी चीज हम बात करेंगे इस चैप्टर पे वो दो चर से संबंधित होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम है दो चर वाले। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, तो देखिए, इससे पहले जब हम बहुपद पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर बताया था बहुपद को हम घात के हिसाब से पढ़ते हैं, जिसकी घात एक होती है, ये बोल सकते हैं जिसके चर की, या यूं बोल सकते हैं एक्स वाई जेड, उनकी पावर 1 होती है, तो हम उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो यहां भी वही चीज है, रैखिक का मतलब है जो भी हमारे चर यूज होंगे, जो यहां पे, जहां भी आप देखो एक्स वाई, जहां भी आप x और y या z, ABCD वाले जो भी हमारे अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, उनकी पावर 1 होगी। 1 पावर लिखा नहीं जाता है, 2 नहीं होगी, कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि y²+x=3, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि y की पावर में 2 आ गया। तो ये दो चर की तो समीकरण है, लेकिन रैखिक नहीं है। देखो, दो चर तो यूज हो रहे x और y, लेकिन रैखिक क्यों नहीं है, क्योंकि रैखिक का मतलब होता है कि पावर 1 होना, तो ये हमारी रैखिक समीकरण नहीं है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है पूरा, देखो पहले ना चैप्टर समझना बहुत जरूरी है कि दो चर का मतलब है सर, अब ये जो हमारी एक समीकरण आएगी वो इस तरीके से होगी, दो चर हमारे यूज होंगे, एक्स वाई वाई जेड, कोई भी दो चीजें, और रैखिक का मतलब है उन जो भी चर यूज होंगे दोनों की पावर, किसी एक की नहीं, अब यहां किसी एक की पावर तो एक है, ठीक है, इसकी तो नहीं है ना, दोनों की पावर 1 होगी, क्लियर। और समीकरण का मतलब आप जानते हैं, इक्वल होना चाहिए। देखो, बहुपद और समीकरण में ये अंतर होता है। अगर मैं यहां बहुपद लिखता तो मैं ऐसे लिखता, बहुपद px=x+y या x²+y, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बहुपद एक में या दो चर में, फिलहाल बहुपद लिखता तो केवल ऐसे लिख देता, लेकिन इसी को अगर मैं समीकरण लिखूंगा तो x+y = कुछ नंबर, बराबर 0 लिख दूंगा या बराबर 4 लिख दूंगा, तो
बहुपद होता है पी एक्स बराबर केवल x प्लस वाई एक बहुपद है और बराबर जीरो या बराबर कोई भी नंबर आ जाता है तो वो बन जाता है क्या समीकरण। तो हम पढ़ने वाले हैं ओवरऑल अगर मैं सबको कंबाइन करूं कि चर हमें इसे कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर रैखिक का मतलब है इसकी पावर भी वन और समीकरण का मतलब बराबर जीरो। तो अभी तक ये पहले हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं बोल लूंगा या एट्थ में या हमने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में भी पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हमारा मेन टॉपिक ये है दो चर वाले। दो चर यूज हो रहे हैं देखो सबकी, दो चर जो भी यूज हो रहे हैं उनकी पावर भी वन वन है तो दो चर रैखिक और समीकरण मतलब बराबर में कोई नंबर है कोई जीरो है कुछ भी होना चाहिए। तो इस ये हमारे टॉपिक पहला जो चैप्टर है ये फोर्थ उसका टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन था। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर वन और टू कर रहे हैं, केवल दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 4.1 पे और अच्छे से करेंगे क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको आराम से नंबर दिला देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर वन है 4.1 का क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। जरा जो ये लाइन बोली गई है ना इसे थोड़ा समझना है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब वही करना है जो हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें ज्ञात करना है। अच्छा दो चर का मतलब है दो ए एक्स वाई का यूज करना है हमको, सीधी सी बात। अब एक्स क्या करें यूज वाई क्या करें उसके लिए आपको ये पहली लाइन दी है एक नोटबुक की कीमत। तो इसमें दो आइटम्स हमारे यूज हो रहे हैं, दो चीजें यूज हो रही हैं कि एक तो हो रहा है क्या, एक तो हो रहा है नोटबुक यूज और दूसरा हो रहा है कलम यूज। मैंने इसलिए बॉक्स बनाया ये आपको ध्यान रहे। तो देखो ये बोला है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो महंगा कौन है? नोटबुक की जो नोटबुक जितने रुपए की आती है वो कलम की कीमत से दुगनी है, मतलब नोटबुक महंगी है कलम। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि अगर नोटबुक 10 रुपए की है 10 रुपए कलम की कीमत से दुगने हैं, मतलब कलम 5 रुपए की है, मतलब हमारा जो पेन है पेन की जो प्राइस है उसको दुगना कर देंगे तो वो उसने की क्या आएगी एक नोटबुक आएगी। अब इसे करने का तरीका देखेंगे, दो चीजें हैं दो चर को हम अलग अलग एक एक का रूप दे देंगे। तो लिखेंगे माना एक नोटबुक की कीमत या ए हाँ माना एक नोटबुक की कीमत बराबर एक्स रुपए ठीक और एक एक कलम की कीमत वाई रुपए। तो देखो क्या हुआ, एक नोटबुक की कीमत एक्स रुपए और एक कलम की कीमत क्या हुआ वाई रुपए। तो क्या हो जाएगा, अब मैंने दो चीजें जो दे रखी थी उनको दो अलग अलग चर मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो प्रश्न में हमें बात बोली है उसको हम अपने हिसाब से लिख के देखेंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला है, जो नोटबुक की कीमत थी नोटबुक की कीमत और दूसरी तरफ जो कलम की कीमत थी जो कलम की कीमत है, अब दोनों में देखो क्या है, नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत दोनों में क्या बोल रहा है, नोटबुक की जो कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की क्या है दुगनी, दुगनी मतलब 2 से गुणा कर देंगे तभी तो बराबर आएगा। या इसको उदाहरण में कैसे, कलम 5 रुपए की है 5 को दुगना करेंगे 10 रुपए की नोटबुक आएगी।
समझे। तो ये जो बात लिखी है ना, इसे समझना जरूरी है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है, तो नोटबुक की कीमत बराबर होगी कलम को जब दुगना करेंगे, पांच को दुगना करेंगे तभी वो दस के बराबर होगा। तो अब देखो, नोटबुक की कीमत हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो इसकी जगह मैं एक्स लिख रहा हूं, माना था बराबर दो गुणा गया। कलम की कीमत कितनी मानी थी मैंने, वाई मानी थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर टू y हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर मैं यहां पर लिख दूं, यहीं से लिख देते x माइनस, ये 2y इधर आएगा, x माइनस 2y बराबर जीरो। हमने समीकरण बना दी, देखो ये 2y इधर का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो दो चर यूज हो रहे हैं, बिल्कुल सही, दोनों की पावर वन है तो रैखिक है, और इक्वल टू जीरो है तो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और सब चीज हमारी यहाँ फॉलो हो रही है, और यही हमें निकालना था, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये आ गया, जो बात उसने बोली थी उसकी हमने एक समीकरण का रूप दे दिया, और बस इतना ही हमें करना था, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करी आपको हर एक चीज समझाने की, ठीक है ना। तो अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, उसको करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू पे हम क्या करने वाले हैं, कहा है निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। मतलब सिंपल भाषा में वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो रैखिक समीकरण दिए, देखो आप रैखिक है, कैसी है रैखिक, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्स की पावर भी वन है, वाई की पावर भी वन है, तो इसे हम रैखिक बोलते हैं, बराबर में कोई नंबर है तो यह समीकरण है। तो रैखिक समीकरण को किस रूप में बदलना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब एक्स वाले भी एक तरफ, वाई वाले भी एक तरफ, और जो ये सी का मतलब क्या है, नंबर। अच्छा इसको इसका इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर मैं आपको यहां बोलूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो ये ए एक्स का मतलब आप समझेंगे, एक्स के साथ ए का मीनिंग है, एक्स के साथ जो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे वैसे कहते क्या है, ए को एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक, जैसे यहां पर एक्स के साथ क्या है, दो, तो ऐसे ही बोल रहा है एक्स के साथ जो भी नंबर है ए, जो भी नंबर है ए की जगह, ऐसे वाई के साथ जो भी नंबर है, और ये सी का मतलब है अचर पद, कॉन्स्टेंट, या बोलूं कोई भी जो लास्ट में जिसमें कोई भी एक्स वाई नहीं होता, जैसे ये यहां पर ये रहा, यहां पर ये रहा, कोई भी नंबर होगा जिसमें एक्स वाई नहीं होंगे। तो बोल रहा है जो भी हमें समीकरण दिए पहले उसे इस रूप में बनाओ, इस रूप में बनाने का मतलब है एक्स वाला भी एक तरफ, वाई वाला भी एक तरफ, जो भी है वो सब कुछ एक तरफ और बराबर में जीरो, ऐसा बनाओ और फिर ए बी और सी का मान ज्ञात करो। तो ए बी सी का मतलब तुलना करो, एक्स के आगे जो है वो ए कहलाएगा, वाई के आगे जो है वो बी कहलाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वो सी कहलाएगा, बस इतना काम करना है। तो हम यही कर रहे हैं, तो देखो पहले मैं क्या करूंगा, सारे नंबर्स को जो भी है उन्हें इस तरफ लाऊंगा, उस रूप में बनाऊंगा। तो कैसे होगा, देखो 2x वैसे ही लिखेंगे, प्लस 3y वैसे लिखेंगे, यह है 9.3 और 5 के ऊपर बार लगाए, मैं इस पूरे को इधर लाऊंगा तो ये प्लस का है तो इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 9.35 और ये बार, और जब ये इधर आ गया तो यहां कुछ नहीं बचा तो बराबर जीरो। तो पहले देखो मैंने उस रूप में बना दी जिस रूप में हमें कहा गया था, बना दिया कैसे, ये रहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, प्लस सी मतलब माइनस का ये, ठीक, तो नंबर भी बन गया एक्स वाई और बराबर जीरो। अब तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे, तो अतः ए बराबर क्या आ गया, तुलना करो एक्स के आगे क्या है, ए बराबर क्या है, दो, बी बराबर क्या है, तीन, चिन्ह सहित लिखेंगे, बी के आगे क्या है, प्लस के तीन, प्लस नहीं लिखते तो ऐसे हो जाएगा, सी बराबर क्या है, तो चिन्ह सहित सी मतलब जो बाकी बचा क्या है, -9.35 बार, और ये हमारा पहले का आंसर, बड़ा आसान है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं,
उसने बोला पहले उस रूप में बनाओ, मतलब जो भी उस तरफ है सबको इधर लाओ, बस उस तरफ जीरो रखना है। तो यहां तो पहले से ही उस रूप में देखो, x वाला भी इधर, y वाला भी इधर और नंबर भी इधर, तो पहले से उस रूप में है, तो उस रूप में तो ये बना हुआ है। हमें तो बस अब तुलना करके a, b, c के मान ज्ञात करने हैं। तो अगर मैं यहां से तुलना करूं तो देखो x के आगे क्या है a, और यहां x के आगे क्या है 1। भाई जब कुछ नहीं होता तो 1 बोलते हैं, तो a बराबर क्या हो गया, अतः a बराबर 1 हो गया। 1 क्यों हुआ, क्योंकि x के आगे है 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1। अच्छा b बराबर, यहां बच्चे गलती करते हैं, y के आगे क्या है, माइनस है और ये 5 नहीं है, बच्चे क्या करते हैं माइनस 5 लिख देते हैं, ये है माइनस 1/5, ये बट्टे में है, तो ये है माइनस 1/5। आप 5 नहीं लिखेंगे, 5 तो तब लिखते जब यहां 5y लिखा होता। ये क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 1/5, y के अलावा यहां माइनस के 1/5 है। और c क्या है हमारा, -10 जो बचा, चिन्ह सहित लिखा जाता है, सी का मान ये है। मतलब इसके जैसे बनाया, फिर इसका रूप और इसके रूप को तुलना करी, जो जिसकी जगह, देखो एक्स अपनी जगह है, एक्स के साथ होना चाहिए था ए, यहाँ ए 1 है, वाई अपनी जगह है, वाई के साथ होना चाहिए बी, तो बी की जगह ये, फिर लास्ट में सी, तो सी की जगह ये, बस। इसको भी वैसे रूप में बदलेंगे, देखो जो भी बराबर के उस तरफ होता है नंबर, उसे उठा के इधर लाते हैं, जो भी उस तरफ होता है, तो मैं जैसी लाया तो ये बना 2x + 3y, और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 = 0, तो बना दिया मैंने उसी रूप से, x वाला भी इधर, y वाला भी इधर, और सारी जो भी नंबर था वो भी इधर, तो ये रूप तो मेरा वही बन गया जो हमें चाहिए था, ax + by = 0 रूप का। अब मैं तुलना कर लेता हूं, तो a बराबर क्या होगा, a कहलाता है x का गुणांक, x में गुणा होने वाला अंक, वो कौन है -2 चिन्ह सहित, और b कौन है, b है y का गुणांक, y का गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक, तो y के साथ गुणा होने वाला अंक कौन है 3, प्लस के 3 है, प्लस लिखते नहीं है, माइनस लिखते हैं, और c कौन है, c जो लास्ट में बचा -6, और ये हमारा आंसर। तो देखो बड़ा आसान है, एक एक लाइन में आंसर हो रहे हैं। इनको भी कर लेते हैं इसी तरीके से, मैंने कहा था कि y जो भी बराबर के उस तरफ है पहले उसे इस तरफ लाके इस रूप में बनाएंगे। तो देखो मैंने x ऐसे लिखा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 3y = 0, जब ये इधर आ जाएगा तो ये बराबर 0 बन गया 0। अब मैं तुलना करूंगा, देखो x के आगे a बराबर 1, पहले तो ये बन गया उस रूप से जिस रूप में हमें चाहिए था, ठीक, a बराबर 1, b बराबर y के आगे वाले नंबर को हम b बोलते हैं, तो y के आगे क्या है -3। अच्छा c जो बचा तो कुछ भी नहीं भाई, x वाला भी आ गया, y वाला भी आ गया, c बचा ही नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं तो वो कौन हो गया 0, और ये हमारा आंसर है, ठीक। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, जो भी उस तरफ है उसे इधर लाएंगे, तो देखो 2x माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस के 5y = 0। तो आप देख रहे होंगे हमने उस रूप में लिख दिया, बराबर 0 के रूप में बनाना था, हमने लिख दिया। अब यहां से a का मान निकालें, अगर x के आगे वाले को नंबर को हम a बोलते हैं, y के आगे वाले नंबर को हम b बोलते हैं, और c यहां पर जब कोई और है ही नहीं नंबर बचा तो c 0। सेम इसको भी करेंगे हम, क्या होगा, तो देखो पहले तो ये बराबर 0 रूप में पहले से ही बना है नहीं बनाया, देखो पहले से ही बना है, हमें कुछ वहां से इधर लाने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें तुलना करनी है। तो देखो x के आगे वाले नंबर को हम a बोलते हैं, वो आ गया 3। अच्छा b किसे बोलते हैं, हम b बोलते हैं y के साथ वाले नंबर को, y तो यहां है ही नहीं तो b 0, जो नहीं है वो 0। c किसे बोलते हैं, जो x और y के अलावा तीसरा जो नंबर होता है, c कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, इसे अचर पद बोलते हैं। अचर पद हमने आपको बताया था क्या होती है, नंबर होता है जिसमें कोई भी एक्स वाई नहीं होता, तो वो है प्लस के 2। यहां बी 0 लिखा, बहुत सारे बच्चे बी को 2 लिख के आते हैं, बी का मतलब है वाई के साथ,
तो y के साथ यहां कुछ है नहीं, यहां लिखा हमने 5 क्यों, क्योंकि वो y के साथ था, यहां y वाला है नहीं तो y को 0 लिखा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी चल रहा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। लास्ट के ये भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको बोलूं बराबर 0, पहले से ये है उस रूप में, क्योंकि हमें कोई भी चीज वहां से यहां लाने की जरूरत नहीं है। a का मान अगर मैं बोलूं, a का मान होता है x के साथ वाला, x यहां नहीं है तो 0 हो गया। b का मान बोलूं y के साथ वाला, y के साथ यहां पे 1 है, y के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। और c क्या है, जो नंबर बचा -2 चिन्ह सहित, और ये हमारा आंसर। ठीक, लास्ट भी कर लेते हैं, मैंने कहा सबसे पहले उस तो इधर को लाओ, तो देखो 5 मैं ऐसे लिख रहा हूं -2x, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का, -0। अब फिर वही बात, जो नियम बताया उसी से चलेंगे। a क्या होता है, a हमारा होता है सर x के साथ वाला, तो x के साथ कौन है, -2। इसे बड़ा ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां गड़बड़ कर सकते हो आप, x के साथ वाला नंबर -2। b क्या है सर, y के साथ वाला, y यहां है नहीं तो 0। और c क्या है, c क्या है, c सर जिसमें ना x है ना y है, तो वो कौन है, प्लस के, देखो चिन्ह आगे होता है, तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो वो प्लस का ही कहलाएगा 5, और ये हमारा आंसर। ठीक, तो आई होप ये पूरी जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.1 हमारी क्लियर हो गई है। आई होप कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी है, आराम से देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद जो 4.2 कराने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेंगे, और यूटी में तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहां से आने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन यहां से ये बहुत आसान है, पूछ सकता है सिंगल नंबर पे, ये पूछ सकता है कि भाई ABC में से किसी का मान बताओ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ऐसे प्यार देते रहें।